में विकास हो रहा, मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका, अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान के पास। अभी हमारे साथ अनिल उपाध्याय जो कि रिठाला विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवारी भी जता रहे हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि प्रोग्राम हमारा चला हुआ दिल्ली में नेताजी के कारनामे और बोल दिल्ली बोल, और आज हम यहाँ ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि आज 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए मोदी जी ने आज घोषणा जो की है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा कार्य है जो 40 लाख से ऊपर जितने भी अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे थे उनके ऊपर ऐसी तलवार लटकी हुई थी, न नींद आती थी न भूख लगती थी, उनको ऐसा गिफ्ट दिया है 40 लाख लोगों से ऊपर, जो सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतनी जल्दी ये कार्य हो जाएगा, और इतना अच्छा कार्य किया है 40 लाख लोगों से ऊपर लोगों के लिए कि जो शायद सभी सरकारों ने इस नाम को लेकर सभी को ठगा है, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसी है जो कहती है वही करती है, मोदी हैं तो मुमकिन है। ये इस समय इन्होंने इसके साथ ऐसे भी कार्य किए हैं जो कि 100 गज जमीन है 0.25% सरचार्ज देने के बाद उनका मालकाना हक उनका होगा, रजिस्ट्री भी कराने के बाद इनको 10 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे केवल 100 गज के। उसके लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं बड़े सोच समझ के कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि 4 मंजिल हैं तो हर एक मंजिल में इस 10 से 15 हज़ार के डिवाइड करके आप देख लो ज़्यादा 2-2.5 हज़ार रुपये एक के फेवर में आएंगे, और ऐसे करते करते उन्होंने सारे कार्य इतने टॉप के कराए हैं कि अनधिकृत कॉलोनी को अब अधिकृत कर दिया है, और ऐसा तोहफा दिया है शायद अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। 5 वर्ष आम आदमी पार्टी सरकार, सारी की सारी सरकारें रही हम देखते रहे, लेकिन जैसा मोदी सरकार ने किया है राज्यसभा में पारित करा दिया, लोकसभा में पारित करा दिया, सारी तरफ से पारित करा के और इसको अधिकृत कॉलोनी बना दिया, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो अधिकृत कॉलोनी को होती है, जो डीडे के कॉलोनी को होती है, जैसे कि लोन लेना है तो लोन मिलेगा, कोई जमानत लेनी है तो जमानत भी आप इन कागजों पे ले सकते हैं। उपाध्याय जी, ये 70 साल में पहले किसी सरकार ने या पहले किसी प्रधानमंत्री ने दिल्ली वासियों को ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि अगर वो गिफ्ट दे देते तो अगली बार अनधिकृत कॉलोनियों को वो कैसे ठगते, और उनसे वोट लेने के लिए जाना था तो नया सपूका कहाँ से छोड़ते। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार कर दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, और ये सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई एमपी से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से आया है, इसलिए वो लोग चाहते ही नहीं थे। जैसे कि अभी केजरीवाल ने एक बात कही थी, 500 रुपये दे के टिकट ले के दिल्ली में आ जाते हैं और 5 लाख का लाभ उठाते हैं, तो ये चाहते ही नहीं है कि जो हम सब दिल्ली को हरा भरा कर रहे हैं, इनको व्यापार दे रहे हैं, इनके मकान बनाए, सारा कुछ हमने किया है, तो हम ये चाहते नहीं कि हम काबिज हों पूरी तरह से, इसलिए ये हमको ठगते रहे और हम ठगाई में आते रहे। अब के बीजेपी सरकार ने ऐसा काम किया है कि अब हमें कोई ठग नहीं सकता है, हमारा मालकाना हक है, अब हम दिल्ली के पूर्णतः बासिंदा हो गए हैं। चलिए, आज इस रैली के बाद किस प्रकार का मिजाज आप दिल्ली का देखने वाले? दिल्ली का मिजाज बड़ा ही दुरुस्त और चुस्त होगा, बहुत टॉप का होगा। इतनी भीड़, इतनी सर्दी होने के उपरांत ठिठुरती सर्दियों में
आप देख रहे हैं कि शायद लगभग 15 लाख से ऊपर जितने भी कॉलोनी वाले हैं अपने घर घर से उठ के आए हैं और इस कॉलोनी को सफल बनाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सारे खुशहाली इतनी हो जाएगी कि अब वो किसी के मोहताज नहीं होंगे। 3 सीटों वाली बीजेपी कैसे कैसे 35 का आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी? 35 का नहीं, हम 50 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप देख लो, जम्मू कश्मीर 370 अनुच्छेद हटाया, 35 अनुच्छेद हटाया, यहाँ जो 81 गांव वालों पे लगा था वो भी हटाया। आप देख रहे हैं एयर स्ट्राइक करके जवानों का हौसला अफजाई किया, जो हमारे जवानों ने कार्य किया है इतना अद्भुत कार्य किया है, शायद अभी तक किसी ने ये कार्य करके नहीं दिखाया है। एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और आप देखिए हमारी आस्था पर जो कुठार हुआ पड़ा था, जो कि अयोध्या मंदिर का, देखिए एक कहीं भी एक पत्ता नहीं हिला, और अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए निर्णायक क्या जो हमारा नासूर था अयोध्या मंदिर के नाम से, वो हमारा नासूर खत्म कर दिया और अयोध्या मंदिर वहीं बनने के लिए तय हो गया, और वो 3 महीने में मंदिर प्रारंभ हो जाएगा। निठाला विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, यदि पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपको वहाँ से कमल का फूल या टिकट दिया जाता है, तो किस प्रकार का चुनाव रिठाला से आपका रहने वाला? चुनाव एक तरफा होगा, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, मैं स्वयं बुद्ध विहार अनौतराज कॉलोनी में रहता हूं, सन 84 से बुद्ध विहार में रह रहा हूं। वहां पे इतनी जनसंख्या है, इतने वोटर हैं, बुद्ध विहार फेज 1, फेज 2, विजय विहार एवं अन्य अन्य कॉलोनियाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आए हुए सभी लोग रिठाला विधानसभा में हैं। सबका रुझान ये है कि अगर स्थानीय व्यक्ति को टिकट आया तो एक तरफा कार्य होगा, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे आम आदमी का हो, वो भी दोनों पार्टियां सारी पार्टियां छोड़ के बीजेपी के साथ होंगे और बीजेपी का परचम लहराएगा रिठाला में। कितना अस्वस्थ अपनी जीत को मानते हो? अस्वस्थ इतनी सारी बात कह दी, जब सारा ही बीजेपी में होगा तो जीत निश्चित होगी। मोदी है तो रिठाला से अपनी जो दावेदारी रखते हैं अनिल उपाध्याय जी, हमने इनसे खास बात की और लगातार आपको खबर तालिका के माध्यम से चुनावी यात्रा दिखाते रहेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में खबर तालिका की टीम जो जा रही है और ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचा रही है लगातार। तेज खबरों के लिए देखते रहिए खबर तालिका।